हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। स्वागत है आपके इस चैनल पर ECLE के, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास आपके लिए कुछ यूनिक होगी, कुछ डिफरेंट होगी। जो आप स्कूल में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आप टेंस बोलते थे, वैसे उस प्रकार के आप पढ़ते थे, मैं थोड़ा अलग पढ़ाऊँगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊँगा एस ई एस और आई एस का यूज़ कहाँ होता है। क्योंकि हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर वीडियोज़ में या फिर बुक्स में या फिर स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ भी, तो बहुत ही कम मिलता है कि जहाँ एस ई एस आई एस बिल्कुल बारीकी की तरीके से बारीकी से आपको बताया जा सके। साथ ही यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, मैंने आपको बताया ही। और वीडियो के लास्ट में जो आप चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कैसे आप अंग्रेजी सीख सकते हो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी न्यू है तो पहली बार में आए और उसके लिए कुछ यूनिक, कुछ अच्छा कंटेंट मिले, कुछ सीखने को मिले। डेट्स वाई मैंने सोचा कि लास्ट में आपको बताऊँगा आपको क्या करना है। यह वीडियो हो सकती है लंबी हो, और लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। बिल्कुल पूरा फोकस, यू मस्ट योर फोकस ऑन द बोर्ड, बिकॉज यदि आप बोर्ड पर फोकस करोगे, आप वीडियो से विचलित नहीं होगे, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो उस वीडियो को दोबारा से देखना, थोड़ा सा दोबारा से आपको देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ी सी लॉजिकल है, थोड़ा सा लॉजिक्स भी है थोड़े से वीडियो में, तो आप वीडियो के साथ बने रहें बिल्कुल आसानी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास मैंने कई बार लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि मैं कहीं पास्ट पढ़ा रहा, कहीं फ्यूचर पढ़ा रहा, क्योंकि मेरे दिमाग का हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास पता नहीं क्यों रहती थी। मैं समझता हूँ कि यह मेरा फेवरेट क्लास ये वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास। ओके, सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? पहचान से करते हैं। आपको पता है ना हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? पहचान से करते हैं। पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ओके, और कुछ मैं यूनिक पहचान बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और जब आप इसमें यूज़ करेंगे यूनिक पहचान में, यूनिक में, या फिर जब आप देखोगे तो आपको भी लगेगा। ओके, तो जो यूनिक पहचान है, जो पहचान मैं बता दूं कि क्रिया के साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ। फर्स्ट बता रहा हूँ, ता है, ते हैं, ती है। ओके, क्रिया के साथ क्या आएगी? ता है, ती है, ते है। जो क्रिया बोलते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है। ये तो पहचान थी क्रिया के साथ, जो हम क्रिया करते हैं। वह पढ़ता है, मैं सोता हूँ, वह गाता है, वह नहाता है, वह दौड़ता है, मैं मारता हूँ, वह पीटता है, बच्चे नाचते हैं, बहुत सी क्रियाएँ हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, बच्चे खेलते हैं, मैं बाल कटवाता हूँ, मैं बाल काटता हूँ। तो ये किस में आएगा? ये इसमें आएगा ता है, ती है और ते है में आएगा। ता है, ती है, ती है। साथ ही जो यूनिक है इसे ये पसंद है, इसकी पहचान भी क्या है? पसंद है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में मैं इंक्लूड करता हूँ। ता है, ती है, ते है प्लस क्या है? पसंद। ता है, ती है, ते है प्लस पसंद। ता है, ती है, ते है प्लस क्या है? पसंद है। डोंट बी बोर इन द क्लास। ओके, ता है, ती है, ती है पसंद। जैसे मुझे खेलना पसंद है, उसे गाना पसंद है, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, तो मैं बोर्ड पर लिखना पसंद है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे हंसना पसंद है, या फिर तुम्हें दौड़ना पसंद है, जो तुम्हें लाइक्स है कि आई लाइक टू प्लेइंग, मुझे दौड़ना पसंद है, जो तुम्हें पसंद है, जिस तुम पसंद करते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? पसंद है का यूज़ करते हैं। ता है, ती है, ती है तथा पसंद है, क्रिया के साथ पसंद है। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको आ गया होगा। आ गया है ना? हाँ, आ गया होगा। ओके,
तो जैसे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे थे, जैसे मैं लिखा उसे पढ़ना पसंद है, उसे पढ़ना पसंद है, हमें, चलो हमें नहीं, हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करना भी चीज़ है, या फिर वह नाचता है, वे घर पर रहते हैं, दुकानदार सामान बेचता है, बच्चों को केक पसंद है, ठीक है, देखो पसंद है करते हैं, या ता है, ती है, ता है, तामया की मात्रा है, रहते, बेचता, पसंद है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आ जाते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कि इसमें रूल है, रूल मैं बता दूंगा, लेकिन पहले जो स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और वीडियो में आप बिल्कुल बने रहना, वीडियो को आपको क्या करना है, बने रहना है, डोंट बी बोर इन द वीडियो, ओके, डोंट बी बोर इन द वीडियो, बहुत ध्यान से देखना है, ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको रिपीट कर लेना है, ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ ही लेते हैं, ओके। तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो रहता है, बाकी में बाकी के बारे में अलग बात करूँगा, लेकिन पहले स्ट्रक्चर की बात कर लूँ, तो स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस का उपयोग होता है, एस ई एस या आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। तो जो एस ई एस और आई एस सब्जेक्ट में एस ई एस आई एस का यूज़ कहाँ होता है, ये हमें बहुत ध्यान से देखना है, एस ई एस आई एस का यूज़ कहाँ होता है और किन किन सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, ओके। तो इन सब्जेक्टों के मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट जो जो प्रो वर्ब है जो बोलते हैं ना, तो जैसे ही है, शी है, इट है, ठीक है, डैट है, ठीक है, तथा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर 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 या किसी नाम के साथ, सिंगुलर या यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो, किसी नाम के साथ भी होता है, नाम के साथ, ओके, आप इसको लिख लेना साथ में, ओके, लिख लिया होगा, ओके, मिटा देता हूँ, किसी नाम के साथ भी यूज़ होता है, किस समय ही सी एट या फिर डैट हो सकता है, या फिर सिंगुलर, जो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एस ई एस या आई ई एस का उपयोग करते हैं, किसका, आई या आई या फिर आई आई एस या आई ई एस का उपयोग करते हैं, ही सी या किसी के नाम के साथ, जैसे मेरा नाम राहुल, शुभम, सोहन, कुछ कोई भी यूज़ कर सकते हैं नाम के साथ, ओके। तो सब यूज़ ये कहाँ फॉलो होंगे, जहाँ पर सिंगुलर हो, जो सब्जेक्ट वो क्या है, सिंगल हो, वहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, बाकी आई वी दे यू और जो प्लूरल है उनके साथ हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, एस आई एस का उपयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं, ओके, आगे समझ में बिल्कुल अच्छे के अच्छे से समझ में आ गया ना, ओके। तो देखो बहुत ध्यान से देखना है, तो अपन देखो फर्स्ट देख लो, फर्स्ट इसका फर्स्ट फर्स्ट देख लो, तो हम फर्स्ट में क्या है कि आई ई एस का उपयोग कहाँ करते हैं, आई ई एस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पहला देखो आई ई एस, चल इससे लिखता हूँ, ओके, हाँ चल इससे लिख लेते हैं, आई ई एस, आई ई एस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, हमें बहुत ध्यान से देखना है कि बहुत ध्यान से देखना है, ओके, आपको एक चीज़ क्लियर है, वोवल कंसोनेंट, ओके, आई होप क्लियर होगा क्योंकि जब यहाँ तक आया है, ओके। तो जहाँ पर ध्यान से देखो, जहाँ पर क्रिया में क्या हो, बाय के पहले, ये बाय है उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट क्या कहलाते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी जो वर्ड है 21 हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी सॉरी ओ नहीं पी क्यू आर एस टी
डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये लगभग 21 वर्ड हैं। तो इनमें से वाई के पहले अगर ऐसे कोई भी वर्ड हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाई के पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर हम आई ई एस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, आई ई एस का, किसका, आई ई एस का हम उपयोग करते हैं। बाय के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर हम आई ई एस का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा फ्लाई, क्या लिखा, फ्लाई, फ्लाई, ठीक है। तो फ्लाई में हम क्या करेंगे, बाय को हम हटा देंगे, बाय को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, ओके। और हम क्या जोड़ना है, फ्लाइज, आई ई एस जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा, फ्लाइज, क्या हो जाएगा, फ्लाइज। आसान है ना, आपको आसान लगे, इसको क्या करना है, इसको हमें घटाना है, इसको हमें क्या करना है, इसको हम बाय को हटाना है, इसको हटाना है, इसलिए मैंने हमें माइनस कर दिया, इसमें माइनस, इसको हटाना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और कब हटाना पड़ेगा, बाय के पहले क्या हो, बाय है ना, जैसे मैंने बाय क्रिया है, तो बाय के पहले क्या हो, बाय के पहले एल, बाय के पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मैंने बताया था ना, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर आई ई एस का उपयोग करेंगे, क्या, किसका उपयोग करेंगे, आई ई एस का। जैसे लिखा, मैंने लिखा क्राय, क्राय मीन्स क्या होता है, रोना होता है, रोना, जोर जोर से रोना, क्राय होता है, ओके। तो क्या बोलेंगे हम, क्राय, 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 क्राय को हम क्राइस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्राइस कर देंगे, इसको बाय को माइनस किया, आई ई एस को हम हटा देंगे, बिल्कुल बन जाएगा ना, ध्यान से बिल्कुल बनाना है, ओके ओके, बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट मैं रिपीट करूँगा, ओके, फर्स्ट से रिपीट करता हूँ कि अगर अगर आई ई एस का उपयोग हम कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, जहाँ क्रिया के पहले क्या हो, क्रिया के पहले, बाय के पहले कॉन्सोनेंट का यूज़ हो, किसका यूज़ हो, कॉन्सोनेंट का, भाई हम बाय को हटा के आई ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आई ई एस का हम जोड़ेंगे। यहाँ प्लस कर दो, एक मिनट में यहाँ प्लस करता हूँ, आई ई एस, यहाँ भी करते हैं, आई ई एस का हम प्रयोग करेंगे, इसको हम लिख देंगे, आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू, क्या होगा, यह आपके लिए क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर होगा। सेकंड देखो, सेकंड, आई एस का उपयोग हम कहाँ करेंगे, आई एस का उपयोग हम कहाँ करेंगे, बताओ कहाँ करेंगे, आई ई एस का उपयोग, देखो आई ई एस, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगर आपको वीडियो लंबी लगा तो पार्ट टू में लगा दूंगा, आई जिसका हम आई एस का उपयोग, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको बहुत ध्यान से देखना है, ओके। आई होप इट विल बी क्लियर, और आपको क्लियर ना हो तो वीडियो को फिर से देखो, फिर से देखना है, किसको, फिर से देखना है, बिल्कुल बोर्ड आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से, ओके। तो जहाँ पर लास्ट में जेड ओ और क्या हो, एच हो, क्या हो, जेड हो, ओ हो, एच हो, जेड हो, ओ हो, एच नहीं, सॉरी, सी एच हो, जेड ओ सी एच, क्या हो, जेड हो, ओ एस सी एच हो, या फिर एस का हो, एस हो, जहाँ क्या हो, एस एच हो, क्या हो, एस एच हो, या फिर एक्स हो, इनको हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अच्छा जब वर्ब आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जेड हो, ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, बता दिल्ली, हम ई एस का उपयोग करेंगे, किसका, ई एस का, किसका हम पढ़ेंगे करेंगे, ई एस का, किसका उपयोग हम करेंगे, ई एस का प्रयोग, एक मिनट, मैंने आई एस कर दिया, इसको ई एस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ओके। तो वहाँ पर हम ई एस का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, ई एस का, जैसे मैं इसको, अब इसको हटाना नहीं है, इसको अपन को हटाना नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा गो, क्या लिखा मैंने, गो, मैंने क्या लिखा, गो, मैंने क्या लिखा, गो, तो गो को क्या करेंगे हम, इसको हम ऐड करना है, ई एस को हमें क्या करना, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा गोइश, क्या हो जाएगा, गोइश, क्या हो जाएगा, गोइश। जैसे मैंने लिखा वॉश, वॉश मीन्स क्या होता है, धोना, तो ई एस कर देंगे ना, एस एच है ना, ये देखो, तो क्या हो जाएगा, वॉशेस, क्या हो जाएगा, वॉशेस, ई एस यूज कर दिया ना यहाँ, ई एस यूज कर दिया, वॉश के क्या हो गया, वॉशिस, क्या हो गया, वॉशिस, ई एस का वॉशिस, फिर से ध्यान सुनो, ई एस हो वहाँ पर, जेड ओ सी एच एस एच, और एक्स हो तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, गोइस, गोइस, बॉस को क्या होगा, बॉयस, बॉसिस, किसका उपयोग करेंगे, बॉसिस, हो गया ना, आए समझे,
देखो एस का उपयोग करेंगे, एस एस भी बहुत यूजफुल है। तो एस देखो, एस देखो ना, एस भी आपके लिए बहुत यूजफुल है एस। ओके थर्ड लिखो, एस का उपयोग हम कैसे करना है आप ध्यान से देखो, क्या करना है ध्यान से देखो, ठीक है ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें क्या हो, इसमें क्या हो अगर के, अगर बाय के पहले, बाय यहाँ थी बाय, बाय के पहले अगर क्या हो, क्या हो यहाँ पर बोल हो, बोल बाय के क्या हो पहले बोल हो, यहाँ बाय के पहले अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम बाय के पहले यहाँ कॉन्सोनेंट था तो आई ए एस का उपयोग कर दें, अगर यहाँ बाय के पहले बोवेल हो, बोवेल कौन सा कहलाता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है ए ई आई ओ यू, तो बाय के पहले क्या हो ए ई आई ओ यू हो तो हम उसे डायरेक्ट हम एस जोड़ देंगे, किस क्या जोड़ देंगे एस जोड़ देंगे ए, जैसे मैंने लिखा प्ले, प्ले मींस क्या होता है खेलना, तो हमें एस जोड़ना है एस, तो क्या हो जाएगा प्लीज, बिल्कुल आसान है, प्ले है तो क्या हो जाएगा प्लीज, प्ले है तो क्या हो जाएगा प्लीज हो जाएगा, आया समझ आएगा, बिल्कुल आएगा आपको जरूर से जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा, आया समझ में। और हाँ अब तो ये हो गया ये, और बाकी जो अदर हैं, और बाकी के साथ हम, बाकी के साथ हम सिंपल एस लगा देते हैं, बाकी के साथ हम सिंपल क्या लगा देते हैं एस का उपयोग हम कर देते हैं, जैसा मैंने लिखा रन, रन मीन्स क्या होता है दौड़ना, तो हम रन को क्या कर देंगे एस लगा दो, रन से लगा देंगे। लेकिन ये रूल कब फॉलो होगा, मैंने कब बताया फर्स्ट रूल कब होगा, जब सब्जेक्ट क्या हो ही सी इट डेट तथा सिंगुलर हो, ही सी इट तथा सिंगुलर हो तब क्या होगा, तब हम इनका उपयोग करेंगे, किनका उपयोग करेंगे इनका जो रूल मैंने बताया है, एक बार मैं रिपीट करूँ क्या, बिल्कुल मैं रिपीट करूँगा कि आई ई एस कहाँ लगेगा, आई ई एस कहाँ लगेगा जहाँ बाय के पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या कहलाता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी वर्ड हो, जो ये वर्ड हो जैसे फ्लाई होते हैं, फ्लाई कॉन्सोनेंट है बाय के पहले, तो वहाँ हम बाय को हटाकर आई ई एस करते हैं, बाय को हटा दिया माइनस कर दिया आई एस फ्लाइज कर दिया, क्राय है क्राई को बाय हटा दो आई एस कर दिया सुबह क्राइस हो गया। अब ई एस को उपयोग करते हैं जहाँ जेड हो, ओ हो, सी एच ओ, एस एच ओ, एक्स हो, एक्स हो, तो वहाँ का क्या करेंगे हम, हम डायरेक्ट ई एस को उपयोग करेंगे, क्या किसका उपयोग करेंगे ई एस का, ई एस का, ओके ई एस का, इसमें हटाए नहीं, इसमें जोड़ना है, बाकी बस एक में घटाना है आई एस में, बाकी हमें सब में क्या करना है बस जोड़ना है, बस एक एक लिख लो, बस यहाँ लिख लो घटाना, यहाँ इसको क्या करना है अपन को घटाना है, मतलब कम करना है, ठीक है, एक चीज़ को इसको घटाना है और बाकी कुछ क्या करना है, बाकी को हमें जोड़ना है, बाकी को हमें क्या जोड़ना है, मैसी होगी जोड़ना और घटाना हो गया, ओके तो एक को क्या करना है उसको एक कम करना है एक को, और दो को जोड़ना है, तो आई ई एस उसको घटाना है, इसको बाय को हटाना है, इसको डिलीट करना है, ओके सो ई एस करना है और बाकी सब में क्या करना है जोड़ना है, सिंपल है, जेड है, ओ हो, सी एच ओ, एस एच ओ, एक्स ओ, तो वहाँ हम डायरेक्ट ई एस का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे ई एस का करेंगे, और एस ओ जहाँ पर एस ओ बोवेल हो, जहाँ पर लास्ट एस कहाँ यूज करेंगे बाय के पहले क्या हो, बाय के पहले बबल हो, ए ई आई ओ यू हो, तो वहाँ हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, वहाँ हम डायरेक्ट एस जोड़ेंगे, प्ले हो गया प्लीज हो गया, आया समझ, बिल्कुल आया होगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ठीक है। और अदर के साथ क्या करेंगे, अदर के साथ हम सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे, जैसे मैंने कम लिखा तो इसे यहाँ कम से हो गया जो अदर है, ये रूल कब फॉलो होगा, जब आपका सिर्फ ही सी इट और डेट हो, बिल्कुल यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा, इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको यह समझ में ना आए तो मेरा रिकमेंडेशन है आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए, मैंने आपको 100% समझाने का फुल प्रयास
किया है 100% समझाने का फुल प्रयास किया है। अगर आपको समझ भी ना आए तो आप बिल्कुल इसको दोबारा देख सकते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप समझ जाओगे। आप एक दो बार देखोगे आपको समझ जाओगे, सेंटेंस बनाओगे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यह मेरी गारंटी किसकी है, यह मेरी गारंटी है। ओके, तो क्या मैं इसको मिटा दूँ या फिर स्क्रीनशॉट ले? ओके, आप इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर द टेकिंग द स्क्रीनशॉट। और मुझे मजबूरन बस इसको क्या इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप मेरा अनुरोध है कि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छा ले लिया होगा तो मुझे जी लिखा इतनी सारी जो हमें मिटाना पड़ेगा। ये सिर्फ किसके लिए, सिर्फ सिंगुलर के लिए रूल है, बाकी आपके कुछ नहीं करना है। अगर सिंगुलर नहीं है, अगर जैसे आई वी दे यू हो या दोज हो या दीज हो या प्लुरल हो, वहाँ सिर्फ हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट में वर्ब लिखेंगे। आए समझ में? आई होप आपको बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको आ गया होगा। ओके, सो हम इसको हम मिटाते हैं। ओके, बिल्कुल। और इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि वीडियो और क्या लाइक कर दीजिए अगर पसंद है तो, और क्या मैं क्या बोल सकता हूँ। ओके, सो अब हम दूसरा स्ट्रक्चर पर बढ़ते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर ये है, मतलब दूसरा रूल है कि आई वी और दे और यू, आई वी दे यू या फिर प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल हो, तो वहाँ हम किसका उपयोग करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है बस, और कुछ नहीं, आपका काम हो जाएगा। आपका काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे आई, यहाँ पे लिख देते हैं आई वी दे यू या फिर प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वर्ब की प्लस किसका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, या फिर नहीं हो तो इतनी सारी हम मैंने आपको कहानी बता दी है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बन जाएंगे, आपको असली बन जाएंगी। ओके, तो हम सेकंड स्ट्रक्चर पर हम चलते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, ओके, प्लस नॉट, मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है। इसमें भी बहुत ध्यान से देखने, डू और डज कहाँ लगेगा? डू और डज लगेगा जहाँ डू लगेगा किसमें, के आई वी दे यू सब्जेक्ट हो तो आप डू लगा देना, और ही शी इट हो तो आप डज लगा देना। आई होप इतना तो आप समझ जाओगे। ओके, फिर सेकंड स्ट्रक्चर पर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हम यूज़ करेंगे। ओके, फिर जो इंटरोगेटिव नेगेटिव रहता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये भी आपका बन गया। ओके, ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाला बना लो, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हम यूज़ करते हैं। ऐसे ये वाला देख लो, लास्ट वाला क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का हम यूज़ कर देंगे। तो आई होप आप स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा इसमें, कि हम स्ट्रक्चर को हम कैसे स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। आपको यह भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। पूरा फोकस ऑन द बोर्ड, प्लीज़ फोकस ऑन द बोर्ड, डोंट डिस्टर्ब। अगर आपको यह वीडियो शोर शराबा में देख रहे हैं तो आप इसको एकांत में देखें, जहाँ बिल्कुल शोर शराबा ना हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस है, और बस इसी में थोड़ी सी आपको ट्रिकी, थोड़ा सा लॉजिकल है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, जैसे आप बनाते हैं साधारण से सेंटेंस है। ओके, तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। ओके, इट विल बी क्लियर फॉर यू। अगर सब्जेक्ट क्या है,
क्लियर है। ओके डू कहाँ लगाएंगे, डू ही आई वी दे यू के साथ डू लगाएंगे, डस कहाँ लगेंगे ही सी इट और सिंगुलर के साथ डस लगाएंगे, क्लियर है ना। एस ई एस आई एस के उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ ही सी इट, ही सी इट हो, ही सी इट और सिंगुलर हो, किसी का नाम हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, वहाँ पर हम एस ई एस आई एस का पूरी फॉलोमेंट रूल बताया है। और अगर कुछ नहीं है तो बर और आई वी दे यू है तो हम किसका उपयोग करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट किसका उपयोग करेंगे, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ कर देंगे, किसका यूज़ कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे। ओके हाँ, और एक बात और, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म में एस ई एस को हटा देना है, मैं भूल गया था, एस ई एस और आई एस को जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसको हटा देना है, वहाँ पर हम डेस्क का उपयोग हम कर देंगे, तो इट विल बी क्लियर फॉर यू आई थिंक दैट एंड इट विल बी हेल्प फॉर यू इन द वीडियो। सो लेट्स गो फॉर द मेकिंग द सेंटेंस, हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम देख लेते हैं और हम कल की क्लास में स्ट्रक्चर जाते हैं। ओके क्लास लंबी है, डोंट बी बोर, आप उसका स्क्रीन शॉट ले लेना, आई होप आपने ले लिया होगा मेरे बोलने से पहले। ओके सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू द मेकिंग द सेंटेंस। ओके सो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्रिया वाला बनाते हैं, फिर हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम लाइक्स वाला पसंद है वाला सेंटेंस हम बनाएंगे। ओके तो जैसे वह नाचता है, क्या करता है, वह नाचता है, क्या बनाएंगे, वह नाचता है, क्या करता है भैया, वो वह नाचता है। ओके तो क्या है ये, वह मीन्स ही होता है, ओके सिंगुलर है ना, तो क्या बनाएंगे, ही डांस, अदर वर्ड है ना, एस ई एस आई एस, वो अदर वर्ड तो नहीं जो उन्होंने बताए थे ना, बाय एफ अदर हो तो हम डायरेक्ट हम एस लगा देंगे, ही डांस हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर मनाओ वह नहीं नाचता है, वह नहीं नाचता है, वह नहीं नाचता है, ओके तो क्या बनाएंगे, ही डज नॉट डांस, ही डज नॉट डांस, वह नाचता है, डांस करना होता है ना, नाचता है, He does not dance. क्या वह नाचता है, बनाओ क्या वह नाचता है, क्या वह नाचता है, क्या वह नाचता है, बनाओ क्या बनाएंगे, Does he dance? बन गया, क्या वह नहीं नाचता है, क्या वह नहीं नाचता है, क्या वह नहीं नाचता है, कैसे बनाएंगे, Does he not dance? बन गया, वह कहाँ नाचता है, वह कहाँ नाचता है, वह कहाँ नाचता है, वह कहाँ नाचता है, ओके वह कहाँ नाचता है, ओके सो वेयर डज ही डांस, वह कहाँ नहीं नाचता है, वह कहाँ नहीं नाचता है, बनाओ वेयर डज ही नॉट डांस, आपको बिल्कुल आपका क्या, आपको बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा पूरी वीडियो पे। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो गई, लेकिन अगर आप सच्ची लगन से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आई होप यह वीडियो आप बिल्कुल पूरी देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, सबसे लंबी वीडियो अभी तक की ECLE की जो कि इतनी लंबी वीडियो हो रही है मुझे लगता है, तो यह क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए, वह यह क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, समझ गए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फिर हम प्रैक्टिस या फिर हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ओके तो हम सेकंड सेंटेंस हम बनाते हैं, क्योंकि सेकंड सेंटेंस भी हमें बनाना सीखना है लाइक से वाला। ओके तो आई होप यह भी आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी के साथ ये सेंटेंस समझ गए। अब देखो ये वाला, उसे पढ़ना पसंद है, कैसे बनाएंगे, ही लाइक्स टू स्टडी, बस इतना, उसे पढ़ना पसंद वाला, ही लाइक्स टू स्टडी, उसे पढ़ना पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है। ओके तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ही डज नॉट लाइक्स की जगह लाइक कर दो, ही डज नॉट लाइक टू स्टडी, ओके हो गया।
क्या उसे पढ़ना पसंद है, क्या उसे पढ़ना पसंद है, क्या उसे पढ़ना पसंद है, कैसे बनाएंगे, डज ही लाइक टू स्टडी, डज ही लाइक टू स्टडी, क्या उसे पढ़ना पसंद नहीं है, क्या उसे पढ़ना पसंद नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, डज ही नॉट लाइक टू स्टडी, बना सकते हैं ना, उसे पढ़ना कैसा पसंद है, कैसा पसंद है, उसे पढ़ना कैसा पसंद है, तो हाउ डज ही लाइक टू स्टडी, उसे कैसा पढ़ना पसंद नहीं है, यहाँ पर बना लो, उसे कैसा पढ़ना पसंद नहीं है, तो क्या आएगा, हाउ डज ही नॉट लाइक टू स्टडी, ओके। तो यह पसंद वाले सेंटेंस हमने बनाना सीख लिए, और हमने जो कि जो पढ़ता है, नाश्ता है, खेलता है, वही सेंटेंस बनाना पसंद कर लिए। अब आपकी बारी है, आपको सेंटेंस को बनाना है। अगर आप सेंटेंस बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आई होप इट दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको कुछ भी पार्ट्स इसका समझ में ना आए हो, आपको फिर से देख लेना है। सबसे ज़्यादा मुझे ऑनलाइन लर्निंग की, मुझे सबसे ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि आपको कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, उसको आप रिपीट तो कर सकते हैं वीडियो को, जो कि ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जैसे अगर कोई टीचर ने ऑफलाइन क्लास में अगर आपको इतना सब कुछ पढ़ाया और कुछ पढ़ा, और अगर टीचर से बोलो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया फिर से बताओ, तो टीचर का ही बहुत सारा टाइम ख़राब होता है, और थोड़ा सा गुस्सा भी, इरिटेट भी होता है कि इतनी मेहनत से समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में आप सब कुछ समझ सकती है। आपको जो समझ में आए उसका रिपीट कर लो, फिर समझ नहीं आया फिर रिपीट करो, जितनी बार समझ में ना आया उतनी बार आपको रिपीट कर लो। बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए समझ में, तो आप अगर समझ जाओगे तो आपको असली इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड जो पास्ट इंडेफिनिट्स की क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। पास्ट इंडेफिनिट क्लास, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो आपको यह क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी प्रकार का डाउट्स हो पूरी क्लास देखकर तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नंबर है, जो मेरा नंबर मैंने 6264360776, ये मेरा नंबर है 24/7, यह पूरा मेरा नंबर चालू है। आपको किसी प्रकार का डाउट हो कॉल करके पूछ लो, मैसेज कर दो। टेलीग्राम चैनल है ECLE का, एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं। आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन हैं, आपको बस अंग्रेजी सीखनी है कैसी भी करके। अगर आपने सोच लिया है आपको असली आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, और कल सैटरडे है, कल मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस क्लास लाऊंगा, ओके। कोशिश करूंगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराऊं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कराऊं, चाहे कितने भी दिन लग जाए, लेकिन अपन हर चीज़ को क्या हम बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। 100% आपको क्लियर होगा, 100% आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप अंग्रेजी बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपकी क्लास कैसे लगी फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स से बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ECLE से जुड़ें। और जो मेरे लास्ट स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही कह सकता हूँ कि भाई आप स्टार्टिंग से, या भाई और बहन आप स्टार्टिंग से आप यह वीडियो देखें, आपकी जो इंट्रोडक्शन क्लास उससे वीडियो देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, आपको सेंटेंस बनाने बहुत मज़ा भी आएगा, प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। मैंने सब कुछ बताया है, ECLE आपको प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस कर सकते हैं ECLE पर, ओके। और इंग्लिश किसके लिए, इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। 100% मेहनत मैं अपनी कर रहा हूँ, और 50% मेहनत मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं स्टार्टर देखो, ओके, बाय बाय।